नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रजनीश पाटिल में। अगर आप फर्स्ट टाइम आए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चलो अपन आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ पेज नंबर 154 एडमिशन ऑफ पार्टनर का। प्रवीण एंड दीपक वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। इसे दोस्तों ओल्ड रेशियो कहते हैं, 3:1, 3/4, 1/4, प्रवीण का और दीपक का। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019 ऑन व्हिच डेट आकाश इज एडमिटेड, ऑन व्हिच डेट आकाश इज एडमिटेड एज अ पार्टनर इज एज अंडर। ये आकाश के जगह यहां पे नाम चाहिए संदीप। क्रेडिटर्स दे आर बिल्स पेबल रिजर्व फंड, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपन ओल्ड रेशो में, 3/4, 1/4 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रिजर्व फंड को अपन ओल्ड पार्टनर्स में। ये ओपनिंग बैलेंस पहले पोस्ट कर देंगे अपन कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, बाय ओपनिंग बैलेंस प्रवीण का 1,20,000, दीपक का 40,000, संदीप का डैश लग गया, रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय रिजर्व फंड। कितना है आपका, 32,000 डिवाइड बाय 4 इंटू इंटू 3, 24,000 एंड 8,000 आएगा डैश। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपका। असेट में डेटर्स प्रोविजन देके रखा है आपको 1,00,000 रुपए का, स्टॉक बेसिसेबल पेटेंट मशीनरी कैश, कैश को कैश अकाउंट के डेबिट में दिखा देंगे टू ओपनिंग बैलेंस नाम से। कैश कितना देके रखा है, 8,000। आप लोग बुक निकाल कर रख देंगे सामने तो अच्छा होगा, वेरी नाइस। अभी चलो दोस्तों अपन एडजस्टमेंट देखते हैं। दे एडमिट संदीप एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1st अप्रैल 2019। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड एज, न्यू रेशियो देके रखा है आपको प्रवीण का, दीपक का, संदीप का, 3:2:3, 3:3:6:2:8, 3/8, 2/8 और 3/8। दोस्तों ये न्यू रेशियो का क्या काम रहेगा, अगर गुडविल ब्रॉट इन कैश रहेगा तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो फार्मूला काम में आता है। और सैक्रिफाइस रेशियो में आपका जो गुडविल है, जो कैश में लेकर आता है नया पार्टनर, वो डिस्ट्रूट हो जाती है। क्लियर। संदीप ब्रिंग्स 96,000 एज कैपिटल, तो एंट्री क्या हो जाएंगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू संदीप कैपिटल, कैश के डेबिट में टू संदीप कैपिटल और दूसरी एंट्री संदीप कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश, किसके कॉलम में, संदीप के कॉलम में, वेरी नाइस। ये भी हो गया आपका इफेक्ट। संदीप पेड ₹32,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली, ये वर्ड यहाँ पे काम का है दोस्तों। संदीप पेड यानी संदीप ने कैश में लाया, कैश में लाया गुडविल, लेकिन गुडविल तो कैश में लाया लेकिन ये प्राइवेटली पे कर दिया उसको। यानी जब गुडविल प्राइवेटली पे करेगा, इन दिस केस जब न्यू पार्टनर गुडविल प्राइवेटली पे करेगा ओल्ड पार्टनर्स को, तब नो एंट्री होगा, इसलिए यह गुडविल अकाउंट भी अपने कुछ काम का रहेगा नहीं, नो एंट्री होगा। एंट्री इज नॉट पास्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि नए पार्टनर ने गुडविल ब्रॉट किया कैश में और वो प्राइवेटली पे कर दिया ओल्ड पार्टनर्स को, तो इसमें एंट्री नहीं होगा और हमें यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो भी नहीं निकालना पड़ेगा। ये कब निकालना पड़ता था, अगर गुडविल ब्रॉट इन कैश रहती थी तो। यहाँ पे गुडविल ब्रॉट इन कैश है लेकिन पेड प्राइवेटली है, यानी उन्होंने प्राइवेट में सेटल कर दिया, तो इसकी एंट्री पास नहीं होंगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रिड्यूस बाय 4,000। देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है आपका, 10,000, इसको 4,000 से कम करो। इसका मतलब है आपका डेटर्स है 1,00,000 का,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को 4,000 से कम कर दो, तो आपका नया ऑडिट कितना रहेगा, 10,000 माइनस 4,000 तो कितना रहेगा, 6,000। तो आउटर में डेटर्स कितना आ जाएगा आपका, 94,000। पहले डेटर्स कितना था आप बैलेंस शीट में देखो, 90,000 था, अभी कितना हो गया, 94,000। यानी 4,000 से आपका डेटर्स क्या हो गया, बढ़ गया। असेट बढ़ेंगे तो अपना फायदा होगा, रिवैल्यूएशन स्टेटमेंट में दिखा देंगे अपन डेटर्स, बाय डेटर्स कितना 4,000, बाय डेटर्स कितना 4,000। यस वेरी नाइस। चलो अगला, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर वैल्यूड रुपीज 4,800 नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। भाई एक कंप्यूटर अपने फर्म के पास था, उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिश नहीं किया, तो अभी रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पे आएगा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर दिखाना पड़ेगा अपने को असेट साइड में 4,800 का। भाई कंप्यूटर अगर आप दिखाओगे तो आपकी असेट बढ़ रही, असेट बढ़ रही यानी आपका प्रॉफिट हो रहा, रिवेल्यूशन स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा कंप्यूटर 4,800। पेटेंट वाज यूजलेस, पेटेंट अपने पास है तो देखो पेटेंट कितने का है, लेके आओ पेटेंट की वैल्यू, आप बताएंगे आप लोग पेटेंट कितने का है, सर्च करो पेटेंट कितने का, देखो 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 पेटेंट पेटेंट पेटेंट। वेरी नाइस। चलो पेटेंट यहाँ पे दिख रहा है अपने को, पेटेंट तो दिख रहा है यहाँ पे आपका 2,000 रुपये का, और ये यूजलेस है बोल रहा है, यूजलेस मतलब डिप्रिसिएट कर देंगे उसको अपन, कम कर देंगे पूरा का पूरा, 2,000 आउट में जाएगा नील, और पेटेंट यानी असेट कम हो गई तो कहाँ दिखाएंगे, रिवॉल्यूशन के डेबिट में, तो पेटेंट 2,000, ये भी हो गया। अभी जो बचे हुए आपके असेट्स और लाइबिलिटीज है उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे दोस्तों अपन, कितना सिंपल है। क्रेडिटर्स 60,000, बिल्स पेबल 2,000, क्रेडिटर्स 60,000, बिल्स पेबल 2,000, क्लियर, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्या क्या है और बताएंगे आप। रिजर्व फंड तो डिस्कस कर दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000, कैपिटल अकाउंट हो गया, इधर डेटर्स हो गया, स्टॉक, स्टॉक लेने का इधर ले लो स्टॉक, असेट्स में 60,000, बिल्स रिसीवेबल ले लो आप 20,000, पेटेंट तो हो गया, मशीन ले लो कितना 8,000, सभी आइटम अपने हो गए दोस्तों। अभी हम लोग क्या करेंगे, डेबिट की टोटल कितने आ रही इधर 2,000, क्रेडिट टोटल कितने आ रही इधर 8,800, रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे अपन, कितना हो रहा था 8,800, क्रेडिट साइड की वैल्यू बड़ी है 8,800 में से माइनस कर देंगे 2,000, तो यहाँ मिलेगा आपको नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एक तो प्रवीण के खाते में जाएगा, एक तो दीपक के खाते में जाएगा, कितना जाएगा 8,800 में से 2,000 माइनस हो जाएगा 6,800, 6,800 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 6,800 इंटू 1/4, 6,800 इंटू 3/4, 1,700 चला जाएगा और 5,100 चला जाएगा प्रवीण के अकाउंट में, और ये कहाँ जाता है कैपिटल अकाउंट के ट्रेड में, रिवैल्यूएशन नाम से 5,100, 1,700 इधर डैश। अभी हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे,
96,000 माइनस जीरो 96,000, फिर 40 और 8 48, 49,700 49,700. नेक्स्ट आप क्लोज करोगे किसका अकाउंट, प्रवीण का अकाउंट, 1,20,20,20,40,44, 1,49,000 149,100. इसको बोलेंगे टू क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर, और ये चला जाएगा आपका लाइब्रेरी साइड में कैपिटल अकाउंट नाम से, कैपिटल अकाउंट नाम से चला जाएगा। किसका किसका है ये कैपिटल अकाउंट, प्रवीण का है और किसका है, दीपक का और संदीप का। वैल्यू लेके आएंगे आप वहां से 149,100, 49,700, 96,000। कैश अकाउंट को क्लोज कर दो, 96 + 8,000 1,04,000, 1,04,000 में से नया क्या है जीरो माइनस कर देंगे तो यहाँ आपका बचेगा बाय क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर, ये चला जाएगा आपका असेट साइड में 1,04,000। अभी हम लोग लाइब्रेरी स्कोर असेट को कर देंगे टैली, 149,100 + 49,700 + 96,000 + 60,000 + 2,000 + 6,000, यहाँ आएगा आपका 3,62,800। उसी प्रकार से 94,000 असेट में है 4,800 + 60,000 + 20,000 + 8,000 + 1,04,000 + 1,04,000। वैल्यू कौन सी करने के रहेगी क्या अपनी चेक करेंगे, बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू चेक करेंगे, और बिल्स रिसीवेबल कितना था, बिल्स रिसीवेबल 80,000 की थी, 94,000 + 4,800 + 60,000 + 20,000 + 80,000 + 1,04,000, 3,62,800। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।